तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने स्नैपचैट की स्टोरी को सिर्फ एक ही बंदे को शो करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। दोस्तों अपने स्नैपचैट की स्टोरी को सिर्फ एक ही बंदे को शो करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने स्नैपचैट के ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद सिंपली आपका कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो आप अपनी स्टोरी की फोटो या वीडियो को यहाँ से कैप्चर कर लीजिए या फिर सिंपली गैलरी पे यहाँ पे क्लिक करके अपनी गैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। पर्सनली मैं कैमरे से कैप्चर करने वाला हूँ तो मैं कैमरे को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रैंडम से कोई भी एक फोटो यहाँ पे खींच लेता हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पे ये फोटो ऐसे मैंने खींच ली। तो अपनी फोटो या वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपरली आप अपनी स्टोरी को यहाँ पे सेटअप कर लीजिएगा, अपने हिसाब से एडिट कर लीजिएगा। तो मैंने तो यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं तो इसमें प्लीज को ऐसे ही रहने दूंगा। और जब आपकी स्टोरी प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी तो अब इस स्टोरी को सिर्फ एक बंदे को शो करने के लिए आपने क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे नीचे सेंड टू का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए स्टोरीज के अंदर यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, एक होगा पब्लिक का और एक होगा फ्रेंड्स ओनली का। तो आपने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। आपको देखिए ऊपर कोने में न्यू स्टोरी का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे और इसमें आपको सबसे पहले नंबर पे देखिए न्यू प्राइवेट स्टोरी का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप सिंपली उस बंदे को सिलेक्ट कर लीजिए जिस बंदे को आपने ये स्टोरी शो करनी है। जैसे यहाँ पे मैं किसी भी एक बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं जो है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उस बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे नीचे क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप कोई भी एक नाम डाल दीजिए अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं मीनू ही लिख देता हूँ, MENU, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी बंदे को सिलेक्ट करा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने सिंपली सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है और बस। अब आप देख सकते हैं पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आए थे स्टोरी डालने के, अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी आ गया है। तो आपने यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन अभी अभी आया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब आपने सिंपली सेंड बटन पे नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपकी स्टोरी यहाँ पे पोस्ट हो जाएगी। और अब ये स्टोरी सिर्फ आपके उसी बंदे को शो होगी जिसको आपने सिलेक्ट करा था। जैसे मैं जाता हूँ अपने चैट सेक्शन के अंदर यहाँ पे और अपनी फाइल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी स्टोरी अभी यहाँ पे पोस्ट हो रखी है और यहाँ पे मैं इसको देखिए क्लिक करके ओपन करता हूँ। देखिए वही स्टोरी है जो मैंने आपके सामने पोस्ट करी थी और जैसे मैं स्टेड अप करूंगा सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस बंदे ने हमारी ये स्टोरी देखी है। और ये स्टोरी सिर्फ उसी बंदे को शो होगी जिसको मैंने उस टाइम सेलेक्ट करा था, मतलब मीनू को ही शो होगी, उसके अलावा इस स्टोरी को कोई और बंदा नहीं देख सकता। दोस्तों कुछ इस तरीके है जो है आप अपने स्नैपचैट के ऊपर ऐसी स्टोरी डाल सकते हैं जो सिर्फ आपके सिलेक्टेड बंदे को ही शो होगी। तो फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।